चलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिसे कि विभिन्न परीक्षाओं में इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूरा पढ़ेंगे और कौन कौन सा सेशन कांग्रेस का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ था, कौन सा उसका नेतृत्व क्या था, कौन सा लीडरशिप किसके लीडरशिप में हुआ था वो सेशन, और उसके प्रमुखता विशेषता क्या रहा है, व्हाट वाज द स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट सेशन, हम ये सारा देखेंगे। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में, 1885 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ए ओ ह्यूम ने इसका स्थापना किया था। कहाँ पे? बॉम्बे में, जो कि बॉम्बे में कहाँ पे? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में इसका पहली बार इसका स्थापना किया गया, ए ओ ह्यूम जी के द्वारा। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से 1888 ईस्वी तक रहे। तो 1885 में हमारा कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो उससे कुछ सेशन देखेंगे कांग्रेस का सेशन, जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो पहला सेशन जो कि 1885 में ही जो कि स्थापना हुआ था, तो 1885 में पहला कांग्रेस का सेशन हुआ, जो कि कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। कहाँ पे? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय। उसका लीडरशिप कौन गया था? डब्ल्यू सी बनर्जी। और उसमें पहली बार उसका स्पेशलाइजेशन क्या था कि उसमें केवल 72 मेंबर्स ही पार्टिसिपेट किए थे। कांग्रेस का दूसरा सेशन जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी उसका लीडरशिप थे, लीडरशिप किए थे, और इसमें मेंबर्स बढ़ के 434 हो गया था। तीसरा कांग्रेस का सेशन जो कि 1887 ईस्वी में हुआ था, ये मद्रास में हुआ था, और बद्रुद्दीन तैयब जी इसका लीडरशिप किए थे। और ये इसका स्पेशलाइजेशन क्या था कि ये बद्रुद्दीन तैयब जी थे, ये फर्स्ट मुस्लिम लीडर थे जो कि इसका कांग्रेस सेशन का अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद 1888 ईस्वी में जो कि अलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में, और जॉर्ज यूले इसका लीडरशिप किए थे। और इसका स्पेशलाइजेशन क्या था कि फर्स्ट कोई भी फॉरेनर, ये इंग्लिश मैन थे, तो फर्स्ट फॉरेनर कोई भी इसका लीडरशिप करने वाले पहला कांग्रेस अधिवेशन था। उसके बाद 1896 में जो कि कलकत्ता में हुआ था, इसमें कौन सा किए थे? इसका अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी। और इसका स्पेशलाइजेशन क्या था कि फर्स्ट टाइम इस कांग्रेस अधिवेशन में ही, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में ही फर्स्ट टाइम वंदे मातरम का गाया गया था। और फिर 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन जो कि फिर से कलकत्ता में हुआ था 1906 में, उसका अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, और इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, और कलकत्ता अधिवेशन में ही 1896 में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था। और फिर उसके बाद 1907 में जो कि सूरत में हुआ था, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, उसमें कांग्रेस का डिवीजन हो गया था दोस्तों। पहली बार जो कांग्रेस का डिवीजन हुआ था वो कि 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन था उसमें नरम दल और गरम दल दो दो भाग में कांग्रेस बट गया था 1907 में। किसके अध्यक्षता में? रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में हुआ था। फिर उसके बाद 1911 में फिर से कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, जो कि जिसका अध्यक्षता किया था विशन नारायण जी, और इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत जनगणमन पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण सिंह की अध्यक्षता में गाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, कलकत्ता में जो भी अधिवेशन हुआ था काफी मतलब इम्पोर्टेंट हुआ, जैसे 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया था, और 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार जनगणमन गाया गया था, और 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। थैंक यू।